घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। साथियों, एक बात हमेशा आपने सुनी होगी कि गुरूर में गुरूर को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। ये वर्तमान की स्थिति खंडवा नगर निगम की, खंडवा की भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, खंडवा के विधायक की और खंडवा के सांसद की हो चुकी है। ये इतने गुरूर में है, ये इतनी अकड़ में है कि ये जनता के मतों का दुरुपयोग करके भी हर बार ये बातें करते हैं। जब भी कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, पार्षद, विधायक इनके भ्रष्टाचार की बात करने जाता है तो इनके नेता, विधायक, मंत्री ये कहते हैं कि भाई हमको तो जनता चुन रही है, हम तो जम के कमाएंगे, जम के भ्रष्टाचार करेंगे, जनता को फर्क नहीं पड़ रहा तो कांग्रेस को क्यों फर्क पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की सोच और बातें ऐसा। अभी कुछ दिनों पहले खंडवा के एक पत्र पेपर में एक खबर लगी, आधा तो मुझे याद नहीं परंतु शायद 200 करोड़ 250 करोड़ की बात हुई थी, कितने करोड़ की बात हो, 290 करोड़ रुपए का बजट खंडवा शहर की नगर निगम ने विकास कार्यों के लिए दिया। पता नहीं ये पंधारा के विधायक राम गांगोरी जी से सीख करके आए, जिस तरह उन्होंने वहां कह दिया मेरी विधानसभा में 6000 करोड़ रुपए के काम हुए। अरे भैया, वो 100 करोड़ की नर्मदा योजना जब 350 करोड़ की हो गई तब भी एक पार्षद महोदय अभी कह रहे थे कि 3 दिन से, मनोज भाई बता रहे थे कि 3 दिन से वार्ड में पानी नहीं आया और हम तय सीखू पर ठीक चुनाव के 1.5 महीने पहले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, नगर निगम कमिश्नर, महापौर ने मिलकर के अखबारों के माध्यम से आप तक पहुंचाया कि 290 करोड़ का बजट 50 वार्डों की जनता के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, व्यापार के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, रोजगार के लिए आपको दिया जाएगा। याद करिएगा, हम तो हर चुनाव में आपको याद दिलाते हैं। इनका वो पाखंडी मामा है ना, इसी चौराहे पर बोल के गया था कि नर्मदा का निजीकरण नहीं होने दूंगा, मीटर नहीं लगने दूंगा, और वही मामा जब चुनाव के बाद आता है तो उस नर्मदा जल की उसको याद नहीं आती, क्योंकि मामा के लिए बिस्लेरी का जल एक बॉटल में आता है। साथियों, पिछले 30 साल से खंडवा प्यासा है, पिछले 30 साल से खंडवा बेरोजगार है, पिछले 30 साल से खंडवा का व्यापारी परेशान है। पिछले चुनाव में भी